Indian Link. Radio. And what a beautiful video. First of all, congratulations to all of you. बहुत ही ब्यूटीफुली डन है ये वीडियो. थैंक यू. एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. और इस टाइम पर बहुत बहुत जरूरत थी इस तरह के वीडियो की. वेयर इन वी ऑल नीडेड दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट जीतेंगे हम. आई स्टार्ट विद अनूप जी फर्स्ट. अनूप जी अ रेनाउंड भजन सम्राट. अनूप जी सबसे पहले बताइए कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा शूटिंग फॉर एंड सिंगिंग फॉर जीतेंगे हम. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा. हमारे विवेक जी का मुझे फोन आया कि एक वीडियो हो रहा है और बहुत ही अच्छी कविता लिखी गई है, तो मुझे तो मजा आ गया सुन के. मैंने कहा इसको जितनी जल्दी से जल्दी करिए और हो भी गया बहुत जल्दी. इनको इतने अच्छे आर्टिस्ट मिल गए इसमें. हाँ, सब लोग सब जुड़ गए और हेमा मालिनी जी की भी कृपा हो गई. देखिए उनका भी ब्लेसिंग मिल गया. बढ़िया काम हो गया. तो इसको जिसने जिसने सुना है वो उसका दीवाना हो गया है. पूरा अमेरिका इसको सुन रहा है, पूरा कनाडा सुन रहा है, वहां भी हमने इसको भेजा. अब ऑस्ट्रेलिया सुनेगा. अब ऑस्ट्रेलिया सुनेगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड. बहुत जल्दी इसको आप पहुंचा दीजिए. फिजी में भी ले जाइए इसको. फिजी में भेजिए बहुत जल्दी. हमारा रेडियो जो है पूरे वर्ल्ड में सुना जाता है बाय आवर ऐप. सो हम इसे हर जगह तक पहुंचाएंगे. बहुत कमिंग टू रवि जी. रवि जी आपसे बिल्कुल जानना चाहूंगी आपने कैसे सोचा इस गाने के बारे में. बिकॉज आपका जो है, आपकी अगर बात करें, आपका एक कॉर्पोरेट करियर रहा है और इस गाने को लिखना. जस्ट टेल अस कैसे आया ये माइंड में. एक्चुअली एकता, आई हैव लेफ्ट कॉर्पोरेट फ्यू इयर्स अगो. यस. सो दैट आई कैन डिवोट माय टाइम फॉर डूइंग वर्क फॉर सोसाइटी. तो मैं कविताएं भी लिखता हूँ और एक किताब पब्लिश भी करता. जब ये कोरोना का टाइम आया तो हमारे खुद के फाउंडेशन से बहुत सारे लोग इसके अंदर लगे हुए. तो जितने भी गाने आ रहे थे उन सब में यू नो होप थी, आशा था, धैर्य था, मतलब पेशेंस था, बट कॉन्फिडेंस के गाने मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे. तो एक दिन ऐसे ही जब मैं गाने सुन रहा था मुझे लगा कि एक गाना होना चाहिए जिसमें होप पेशेंस के अलावा कॉन्फिडेंस आना चाहिए. एंड इट शुड ऑल टॉक अबाउट व्हाट वी हैव गेन्ड from this pandemic rather than what we have lost. जो हमने खोया है वो एक चीज है, लेकिन जो जो हमने पाया है, जो जो हमें इससे उसूल मिले हैं, जो इससे हमको टीचिंग्स मिली हैं, उसके बारे में हमको ज्यादा बात करनी चाहिए और एक कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए कि जीतेंगे हम. तो बस वही सोच के मैंने गाना लिखा. फिर विवेक जी को फोन किया और मैंने उनको बताया कि हम एक गाना लिख रहे हैं और उसके बाद तो फिर बस अरुण जी ने इसको आशीर्वाद दे दिया और फिर बाकी सब लोग जुटते गए और एक अच्छा गाना. क्या बात है विवेक जी. आपसे जानना चाहूंगी इतना कमाल का म्यूजिक कैसे बन पड़ा. एक्चुअली मैं तो ये कहता हूँ कि रवि जी के गानों में, रवि जी की कविताओं में धुन छिपी होती है, बस मुझे उसे थोड़ा सा तलाशना पड़ता है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है और तुरंत मन के सामने आ जाती है. तो रवि जी के साथ पहले भी हमने एक बड़ा जोरदार एल्बम किया था मूनलाइट विस्पर्स. उसमें भी बहुत सारे लोगों ने गाना गाया था और बहुत ही अच्छा एल्बम हुआ था. तो रवि जी की पोएट्री को मैं बहुत हृदय से समझता हूँ और हमारा मानसिक लेवल और जो हमारा एक आर्टिस्टिक लेवल है वो सब बहुत मैच करता है. मैं इनसे बहुत सारी बातें सीखता रहता हूँ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से. जैसे हमारे अनूप जलोटा भाई साहब से आज इतने बरसों से मैं बहुत सारी बातें, ना मालूम कितना पूरा जीवन ही उनका शेप अप किया हुआ है. तो ये सारे लोग जब जुड़ जाते हैं तो बात बन जाती है. तो इनकी इतनी सुंदर कविता थी, इतनी सुंदर कविता थी, मैंने जरा सी हारमोनियम पर उंगलियां अपनी फिराई और बस बन गई. और इनको वैसे मैंने करीब 25-30 ट्यून सुनाई तो उन्होंने एक वाले सेलेक्ट करी. उतनी मेहनत मुझे करनी पड़ी उसमें. फिर उतना ही कमाल का प्रोडक्ट भी आया है. एकता इस गाने में विवेक जी ने जितनी मेहनत की है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि सब लोगों ने वीडियो से फोन पर सब रिकॉर्डिंग की, अपने अपने फोन पर रिकॉर्डिंग की, वॉइस की भी और वीडियो की भी. उन सबको मिला पाना और एक समन्वय बना देना, ये बहुत ही अच्छा काम किया. ये एक टेक्निकल स्किल का भी काम है, क्योंकि टेक्निकली इसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी टेक्निक की, क्योंकि सब लोगों ने फोन पर रिकॉर्ड किया था. नोबडी कुड गो टू एनी स्टूडियो. रोली जी आपसे जानना चाहूंगी, यू आर वेल नोन इन डिवोशनल, अगर हम बात करें फोक म्यूजिक की, आपके लिए कैसा रहा ये एक्सपीरियंस. बिकॉज
बहुत ही एक टचिंग बात है इस गाने में. जी बहुत ही, मतलब एक तो गाना ही बहुत सुंदर लिखा गया है, प्लस विवेक का म्यूजिक भी आया था जैसा. और मेरे साथ कुछ एक थोड़ा सा इंसिडेंट ये हुआ था कि हम 14 दिन के क्वारंटीन के बाद, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के बाद घर पे आए थे, तो आई वाज वेरी डाउन, दैट वाज मेंटली बहुत ही ट्रॉमेटिक था मेरा वो 14 डेज क्वारंटीन. तो आई वाज नॉट इन दैट मूड, लेकिन जब ये गाना, जैसा विवेक बताते भी है कि इन्होंने मुझे ये गाना इसलिए दिया, आई वॉज नॉट इन द मूड कि नहीं मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, इतने दिन से मेरा रियाज छूटा हुआ है एंड इतने वहां पे बड़े बड़े लोग गा रहे हैं, हमारा अच्छा गाना हो पाएगा नहीं हो पाएगा. तो विवेक जस्ट मैसेज कि नहीं यू जस्ट ट्राई, और अगर क्योंकि बड़ा इंस्पायरिंग है और बहुत ही अच्छी वर्डिंग है, तुमको अच्छा लगेगा गा के देखो, आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एज यू विश वो. तो बस वन टेक ऐसे हमने कारा, ठीक है फोन पे देखते हैं और गाया. एक्चुअली गाना इतना रिदमिक एंड इतना इंस्पायरिंग था कि मतलब मजा आया, जोश आया, जितनी भी लाइन थी क्या बात है. दिशा आपसे जानना चाहूंगी, सीए हैं आप और आजीवासन की स्टूडेंट रही है, जहां मैंने भी थोड़े टाइम मुझे सीखने का मौका मिला, बहुत ब्यूटीफुली आपने गाया है. बताइए आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा, और इनफैक्ट इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना डेफिनेटली एक अलग बात रही होगी. वेल थैंक यू पहले विवेक अंकल को दैट let me be a part of a very beautiful team and a song that is so nicely written down by Ravi sir. He's the youngest of the lot. It has been a privilege and I'm very humbled to be a part of such eminent people. Bahut hi maza aaya and So, ये इसके शूटिंग के बारे में जानना चाहूंगी, कुछ चैलेंजेस आए आपको बिकॉज घर से शूट करना है, और थोड़े बहुत चैलेंजेस आए होंगे शूटिंग फॉर दिस? Well, challenges not as such, but yeah, थोड़ा सा recording में, पर विवेक अंकल was always available, उनको मैंने call किया, उन्होंने मुझे instruct कर दिया, and I sung, so it was fine. पर वो of course feel नहीं आता है जो हम बाहर करते shooting, but yeah. Right. अनूप जी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि when we talk about such music, जब हम independent music की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह के ब्यूटीफुल इंडिपेंडेंट म्यूजिक को, जो कि बॉलीवुड का एक अहम, मतलब जैसे कहते हैं एक मेन हिस्सा नहीं लिया जाता है बॉलीवुड में, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है, तो क्या इंडिपेंडेंट म्यूजिक को हमें और एनकरेज करने की जरूरत है? इस वक्त इंडिपेंडेंट म्यूजिक को ही सामने आ जाना चाहिए और आ भी रहा है जी. उसका कारण यह है कि फिल्म म्यूजिक जो है वो तो फिल्मों के लिए बनती है. बिल्कुल. तो जब फिल्म होगी हाउसफुल, दबंग जला के राख कर दूंगा, तो उसमें गाने किस तरह के होंगे आप सोचिए. तो हमें रवि जी की जरूरत पड़ती है आजकल की, रवि जी कुछ अच्छा लिखिए तो हम लोग कुछ गाएं. तो रवि जी ने एक बहुत सुंदर रचना करके हम लोगों को दे दी, और विवेक जो वेरी वेल नोन कंपोजर हैं, इन्होंने कई हेमा मालिनी जी के बैलेज में रिकॉर्डिंग म्यूजिक कंपोज किया है, मेरे भी पहले एल्बम में किया है, हमको भी पहले अपने डायरेक्शन में गवाया, कई जगह हम लोग साथ में काम करते हैं. तो इस तरह का म्यूजिक जब आता है तो लोगों को एकदम अलग लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल फिल्मी गानों से एकदम अलग चीज आ गई, उसमें फ्रेशनेस लगती है, नयापन लगता है, और वो लोग बार बार सुनना चाहते हैं, और यही बात जीतेंगे हम में खास बात है कि इसमें नयापन है. बिल्कुल. और चेतना प्रोडक्शन के ये जो है, दैट इज नेचुरली स्प्रेडिंग गुडनेस व्हेन वी टॉक अबाउट जीतेंगे हम. तो जब हम बात करते हैं जील की, जज्बे की, तो आई थिंक ऐसे गाने बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं. रवि जी आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम गाना लिखने की बात करते हैं, इस सॉन्ग पर आपको कितना टाइम लगा व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग दिस ट्रैक? मेरे ख्याल से लिखने में ज्यादा समय नहीं लगा, लिखने में मुश्किल से आधा घंटा लगा. अच्छा. लेकिन सोचने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रहा था कि गाने मैं सुन रहा हूँ, इन गानों में लड़ने का जज्बा तो है लेकिन जीतने का जज्बा नहीं है, धैर्य तो है लेकिन जीतने की बात कहीं नहीं आ रही है. तो बस मुझे लगा कि उसी दिन मैंने विवेक को फोन किया कि जितने भी गाने आ रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे, और दूसरा हम ये नहीं बता रहे हैं कि हमको क्या क्या इससे सीख मिली है, चाहे वो साथ काम करने की हो या किसी भी काम को छोटा ना समझने की हो, या आप देखेंगे जो सबसे बड़ा चेंज इस समय आया है कि लोगों की इंसानियत बाहर आई है.
ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मिलकर बाहर बाहर जाकर और बहुत लोगों की मदद की है, करोड़ों लोगों को खाने की व्यवस्था की है, उनके उनके और चीजों की व्यवस्था की है। तो मुझे लगा कि इसके लिए एक लिखना बहुत जरूरी है और बस वो एक फ्लो आता गया और आधे घंटे के अंदर गाना हमारा रेडी हो गया। फिर मैंने विवेक को थोड़ा क्या बात है, बहुत तो इसमें मैं उन लोगों का भी बहुत, उन लोगों को भी बहुत शुक्रिया देना चाहूंगा, शुक्रिया करना चाहूंगा उनका जो इस समय यहाँ पर नहीं है, जैसे हेमा मालिनी जी हैं, रेखा फलवा जी हैं, संजीवनी जी हैं और मधुश्री जी हैं, और जिन्होंने इसको इसका इसका वीडियो बनाया वो संजुम जायसवाल जी हैं। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन, जो हम लोगों ने मोबाइल से वीडियो खरीदे लिए थे उसको आपस में मिलाकर बहुत अच्छा प्रोडक्ट किया। लीना जी ने हमें ज्वाइन किया बट लीना जी को मैं देख नहीं पा रही हूँ। लीना जी आप अगर अपना कैमरा ऑन करेंगे हम आपको बिल्कुल देख पा रहे हैं। अच्छा, आप मुझे देख पा रही हैं बट मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। I know but I don't know what is happening। लीना तो चश्मा लगा लिया फिर भी नहीं दिख रही है, पहुंच रही है बट। लीना जी बताइए मुझे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सिंगिंग फॉर दिस ब्यूटीफुल नंबर जो मैं अभी तक कितनी बार सुन चुकी हूँ, आई डोंट नो। बहुत अच्छा रहा। मुझे जब विवेक जी का फोन आया जी, आप लोगों को भी देख पा रहे कैमरा ऑन करिए आपका। हाँ जी, कैमरा ऑफ है जी, आपका कैमरा ऑफ है। कैमरा ऑफ है। एक बार टैप करिए फोन पे तो कैमरा आएगा, तो कैमरे पे रेड लाइन आ रही होगी उसको दबा दीजिए तो ऑन हो जाएगा, नहीं तो मैं आता हूँ कलकत्ता ठीक करने। मेरे बारे में कुछ बोला जा रहा है मुझे ये पता चल रहा है। But I don't know what is happening. I'm really sorry about that. नहीं, लीना जी आप बता रही थी आपका एक्सपीरियंस गाने के साथ। बहुत अच्छा रहा, ये एक मोटिवेशनल सॉन्ग है, आपको पता चल रहा है गाना सुन के जीतेंगे हम। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और घर से वीडियो ऑडियो सब करके पता नहीं ये इन लोगों ने विवेक जी लोगों ने कैसा मैनेज किया पर बहुत मजा आया। एक्चुअली जब हम बात करते हैं इस गाने की जिसमें हेमा जी के साथ साथ में जो आज हमारे साथ अभी नहीं है मौजूद हैं, मधुश्री जी हैं, रेखा भारद्वाज जी हैं, संजीवनी जी हैं जो अभी नहीं है, I'm sure और सोमा घोष और सोमा घोष जी भी सोमा घोष जी भी नहीं है हमारे साथ। मैं सोच रही थी उनसे कुछ सुनूंगी लेकिन मौका हाथ से निकल गया है मुझे लगता है। बट इतने सारे बड़े बड़े लोग जब साथ में जुड़ते हैं इतना कमाल का प्रोडक्ट बनता है। रवि जी मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं इस तरह के गानों की तो when we compose such songs, तो आपके सामने कोई एक इंस्पिरेशन होती है इसके पीछे, what was the thought about this? कुछ एक, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो गाना बहुत भाव के साथ लिखा जाता है और जिसमें कॉमर्शियल माइंड इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे जी अनूप जी ने बोला जिसमें कॉमर्शियलाइजेशन थॉट नहीं है और सिचुएशन बड़ी सिंपल सी होती है, उसमें जब आप गाना कोई भी गाना लिखते हैं तो उसके म्यूजिक ऐसा होना चाहिए कि गाने की रूह बाहर आ जाए, जो आपको वाकई फील हो पाए कि ये गाना वाकई जीतने के लिए बना है और ये आपको इंस्पिरेशन इससे मिलना चाहिए। और जैसे ही वो धुन सामने आती है अचानक आपको लगने लगता है कि ये धुन शायद इस गाने के लिए ही बनी। जैसे एक पहले भी जो विवेक जी ने जैसा जिक्र किया, इन्होंने एक गाना बनाया था जो था मेरे मौला तू सबकी दुआओं का सिला दे दे, सारी दुनिया को दोस्ती का सिलसिला दे दे। तो मैं अभी चूंकि मैं देख रहा हूँ कि अनूप जी हमारे सामने हैं तो मैं अनूप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अनूप जी इस गाने की एक लाइन हमको सबको सुनाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। जीतेंगे हम जीतेंगे। इसमें क्या वो कॉन्फिडेंस है जीतेंगे हम की जो ट्यून बनाई है कि बिल्कुल जो बात कह रहे हैं वो होने वाली है, उसमें ये नजर आता है। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल सही बात है। और इंडियन लिंक रेडियो पर ये गाना जरूर, इस वीडियो, ये अभी वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रहा है, ये वीडियो जब प्ले होगा इसके बाद भी प्ले होगा और इंडियन लिंक रेडियो पर भी हम ये ट्रैक चलाने वाले हैं, ऑफ कोर्स जीतेंगे हम। तो ये जब हम बात करते हैं इसकी धुन की, तो ये मैंने सुना इस गाने को कई बार, ये शुरू में अलग है और लास्ट में जाके और थोड़ी सी बुलंद हो जाती है, तो ये विवेक जी आप बताइए ये इसके पीछे क्या बात है? आपका माइक बंद है विवेक जी।
विवेक जी आपको माइक। मैं कह रहा था कि जब भी मैं कभी कोई धुन बनाता हूँ तो हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो उनके शब्दों में जो भाव भरा हुआ है, शब्दों में जो भाव छिपा हुआ है, वो बाहर निकल के आना चाहिए। अभी पहली लाइन इस गाने की कहती है, क्योंकि अगर देखिए, अगर गीत के शब्दों का असर ना पैदा हो तो कोई मतलब नहीं है। तो गीत के शब्दों में वो संगीत होना चाहिए जो उसके साथ जेल करके उन भावों को, उन शब्दों में भावों जो छिपे हुए हैं उनको और इफेक्टिव ढंग से बाहर लाए। अब अगर हम कह रहे हैं आसमां पे कोहरा, तो हम उसको डांस करके नहीं कर सकते, है आसमां पे कोहरा और रात है गुलाबी, ऐसे नहीं कर सकते। तो जब कोहरे की बात हो रही है तो हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो जो एक पहले हाफ में इनके गाने में स्टेटमेंट था कि ये चीज हो रही है, उसके बाद में फिर हम उसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि अब ये करेंगे तो फिर जीतेंगे हम। तो इनको जीतना है, हमको अपने आप को सरेंडर नहीं कर देना। तो ये भाव इनके जो लिरिक्स है उसमें एक एक शब्द में से निकल के आ रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब मैंने देखा तो अब आप कहेंगे है आसमां पे कोहरा, दिख रहा है कोहरा दूर, और दूसरा आदमी कह रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है, और रात है घनेरी, आपस में बातचीत हो रही है। फिर थर्ड ज्वाइन करता है, लेकिन है दिल में जज्बा, फिर होगी सुबह सुनहरी। तो फिर चौथा ज्वाइन करता है, वो भी कहता है कि हाँ होगी सुबह सुनहरी, लेकिन है दिल में जज्बा, फिर होगी सुबह सुनहरी। कैसे होगी? जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। सेकेंड हाफ में यह होता है कि हमारा जज्बा और स्ट्रांग हो गया। तो जब और स्ट्रांग हो गया तो हमें अब हैप्पीनेस वहां से आएगी। तो इसलिए सेकेंड हाफ मैंने चेंज कर दिया, उसको पैपी कर दिया। और पहला हाफ जो है उसमें थॉट प्रोसेस यही है कि फर्स्ट हाफ जो गाने का है वो स्टेटमेंट्स है, वो सारी प्रॉब्लम बता रहा है कि इस वैश्विक आपदा ने हमको है बड़ा सताया। फिर रोली जी कहती है लेकिन ये जीवन को कैसे जीना है ये भी सिखलाया। जैसा रवि जी कह रहे थे कि आजकल गुडनेस सबकी बहुत सारी बाहर निकल के आई है, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, अपने आप को ठीक कर रहे हैं, योगा करने लगे हैं, अपने आप को संवारने लगे, अपने टाइम का ख्याल करने लगे, इस तरह की बात है। तो ये सोच करके मैंने इसको ट्राई किया और बात बन, क्योंकि जो बड़े भाई साहब अनूप जलोटा जी से बरसों से सीखा है तो इस गाने में काम आ गया। एकता जी, जब मैं पहली बार विवेक जी को मिला तो जब गाने की धुन की बात हुई तो मैंने उनको अपनी दो लाइनें सुनाई थी और मैंने कहा था गाना ऐसा बनना चाहिए। वो दो लाइनें थी, जिसे बेदिल पड़े गाना वो गीत ना होगा, जिसे बेदिल पड़े गाना वो गीत ना होगा, जिसे दर्द पड़े दिखाना वो मीत ना होगा, मीत ना होगा। वाह वाह वाह। जिसे बेदिल पड़े गाना वो गीत ना होगा, जिसे दर्द पड़े दिखाना वो मीत ना होगा। तो मैंने कहा कि आप ऐसे धुन बनाइए कि वो बिना दिल लगा के कोई गा ही ना सके। That is the test. Beautiful. In fact, we have थोड़ा सा टाइम और है हमारे पास, तो मैं ये जानना चाहूंगी आप में से कोई भी मुझे इसमें बताएं कि जब अब आप यूएस में इस वीडियो को प्रमोट कर चुके हैं, इस सॉन्ग को वहां तक ले जा चुके हैं, अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लोग सुनेंगे, तो कुछ कोई मैसेज यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सुनने वालों के लिए रिगार्डिंग दिस सॉन्ग, क्योंकि बहुत मायने रखता है, इसकी इतनी ब्यूटीफुल लिरिक्स है और एक बहुत बड़ा मैसेज ये सॉन्ग जो है इस टाइम पर लेके जा रहा है लोगों तक, कोई स्पेशल? मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आदमी जो जो ट्राई करे वो कभी उसमें सक्सेसफुल होता है, कभी वो फेलियर होता है, लेकिन जो डिसाइड करे वो हमेशा होता है। तो जैसे ही हम डिसाइड करेंगे कि हम जीतेंगे, हम और हम साथ साथ जीतेंगे, इसके अंदर कुछ और भी मैसेजेस हैं, और वो मैसेजेस ये है कि इंसानियत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। तो एज लॉन्ग एज हम लोग इंसानियत को बढ़ाते रहें, आपस में किसी भी मुश्किल का सामना करें, और ये जज्बा होना चाहिए कि हम जीतेंगे, तो फिर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमको या आपको या किसी भी इस दुनिया के किसी भी आदमी को हरा सके। बात सिर्फ ये है कि हमें एक साथ रहना है और एक साथ मिलके इस मुश्किल का सामना करना है, और एक दूसरे के प्रति इंसानियत सबसे ऊपर बाहर आनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। ब्यूटीफुल, व्हाट अ थॉट। मुझे लगता है ऐसे गाने और बने तो कितना अच्छा होगा। इंशाल्लाह बनेंगे और बनेंगे। एक और गाने पे अब काम शुरू कर रहे हैं, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। वाओ, ब्यूटीफुल। तो फिर से हम सब ज्वाइन करेंगे और ये बहुत जल्दी वो भरा होना चाहिए। लीना जी आ चुके हैं। लीना जी, क्विकली आप बताइए, वी लॉस्ट यू इन बिटवीन, तो बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वी स्टिल हैव 2-3 मिनट्स टू गो। मैं
लीना जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक उनको ना वीडियो में कुछ इशू हो रहा है। आई थिंक वीडियो में संजीवनी जी भी हैं साथ में। संजीवनी जी ज्वाइन कर चुकी है। आई थिंक देयर इज सम इशू ऑफ इंटरनेट टुडे। या संजीवनी जी भी आई थिंक कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आज मुंबई में पानी बहुत बरस रहा है उस वजह से। मुंबई के पानी है जो यहाँ तक आ चुका है। जी बहुत बरसात वहाँ तक पहुँच गया, ऑस्ट्रेलिया तक। बट गाने की स्पिरिट कम नहीं करेगा अनूप जी? बिल्कुल नहीं करेगा। बहुत जोश है इस गाने में। और बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा। गाने गाने की स्पिरिट के सब सब तरफ जो है बौछार रहेगी। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में तो गाना बरसता रहेगा 100%। संजीवनी जी वेलकम टू इंडियन लिंक रेडियो। हाय हाय। चुरा लो ना दिल मेरा सनम। संजीवनी जी बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाने के साथ? बहुत मजा आया आपको बड़े टाइम बाद देखे। एंड थैंक यू आप इस ब्यूटीफुल गाने के साथ। आई हैव नो टाइम टू गेट ड्रेस्ड अप। मैं ऐसे आई हूं। दैट्स ओके, यू लुक ब्यूटीफुल। वी स्टिल हैव 5 मिनट्स टू गो। संजीवनी जी हमें बताइए आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, यू नो, सिंगिंग दिस लवली लवली ट्रैक। विवेक जी के साथ काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि जानकार है और लैंग्वेज के भी बहुत जानकार है, तो गुणी जनों के साथ काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है। और बाकी भी सारे वर्जन्स ने गाया है, अनूप जी ने गाया है जी, तो प्लेजर। बहुत अच्छा गाना बनाया है। हाँ संजीवनी जी आप कुछ कह रही थी। लीना जी को हम देख नहीं पाए हैं, सिर्फ सुन पाए हैं। आज मुंबई के पानी ने कमाल कर दिया है। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। एंड मैं फिर से आप सबको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूंगी फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन इंडियन लिंक रेडियो। एंड इनफैक्ट जब हम बात करते हैं इस तरह के गानों की, बहुत कम मौका मिलता है हमें भी कि इस तरह के गानों को हम हमारे ऑडियंस तक पहुंचा पाएं। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू अनूप जी, रवि जी, प्रकाश जी, सोनू जी, दिशा एंड संजीवनी जी, कमिंग जस्ट इन टाइम। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल जीतेंगे जीतेंगे हम। हम सब लोग मिल के कहते हैं जीतेंगे हम। मैं भी कहती हूं जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। इस गाने में लास्ट में सब लोग एक एक बार कहते हैं जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। तो हम सब लोग एक बार आपके लिए भी कहते हैं जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। थैंक यू सो मच। एंड उम्मीद है बहुत जल्दी ऐसा एक और गाना आएगा, आप आने वाले हैं रवि जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, थैंक यू ऑल। नमस्कार, थैंक यू, बाय। इंडियन लिंक, इंडियन लिंक। दिया हर दिल में जलाना होगा, उम्मीद को हर पल ही जगाना होगा। तूफान कितने भी आए मुश्किलों के, अंधेरों को उजालों से हराना होगा। ऐ आसमां पे कोहरा, अरे रात है घनेरी, लेकिन है दिल में जज्बा, फिर होगी सुबह सुनहरी। सुनहरी जीतेंगे हम।
इस वैश्विक आपदा ने हमको है बड़ा सताया, पर जिंदगी को कैसे जीते हैं ये सिखलाया। अब हिम्मत नहीं है खोना और साथ साथ रहना, हर युद्ध जीतना है भूलेंगे हम कभी ना। चलना है साथ मिलके और सबको गले लगाना, इंसानियत का मजहब है सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा खजाना। जीतेंगे।